আইগল 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 আই চাবাস वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगैन अगैन अगैन। और जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम द टिपाम ब्लॉग दैन फ्रॉम द जो पासीघाट वाला ब्लॉग था उसके बाद और जितने भी नए राइडर्स अपने साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम द आसाम पुलिस ब्लॉग, तो आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीबॉडी एंड मतलब वही है, तो ए वेरी 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 वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीबॉडी एंड वेलकम अबॉर्ड। हाँ, बहुत मज़ा आएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन टुडेज राइड वी आर गोइंग फॉर अ वेरी एपिक डेस्टिनेशन। आई थिंक आप लोग सबको पता होगा हूसोएवर इज़ वॉचिंग फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया इट इज़। हाँ, लेकिन जो पॉइंट है, जो लोकेशन है आज जहाँ पे अपन जा रहे हैं, वो दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज़ फेमस, वर्ल्ड फेमस। वी आर गोइंग टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड, दैट इज माजुली। बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि जाएंगे 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 जाएंगे, एक ना एक दिन तो माजुली ज़रूर जाएंगे। और भगवान ने जो है अपने को आज का ये मौका दिया है कि आज जो है तुम लोग माजुली जा सकते हो। अब NH 52 का मीटअप पॉइंट में हम लोगों ने एक और दो राइडर्स और थे, उनको भी हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया अपने साथ। और अपन अभी फ़िलहाल लीड कर रहे हैं, पीछे अपने और चार राइडर्स है। सागर भी ज्वाइन करने वाला था लेकिन सागर जो है अभी तक पहुंचा नहीं था, तो डायरेक्टली सागर को कुलाजन मीटअप पॉइंट पे मिलेंगे। वहाँ पे जो है अपन थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लेंगे, तो फिर ब्रेकफास्ट वेकफास्ट बनाने के लिए बोलने के लिए भी थोड़ा सा उनको समय वगैरह लगता है, तो जब तक वो ब्रेकफास्ट बनेगा तब तक वो सागर भी वहाँ तक पहुँच जाएगा, मज़ा आ जाएगा फिर। नमस्कार नमस्कार, पूरा वायरल रहनो फिलहाल क्या है कि बारिश ज्यादा हो गया तो फिर अपन वो रेनकोट पहन लेते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये मैश है, उसके साथ मैंने रेन लाइनर नहीं लगाया, तो फिर रेनकोट तो पहनना ही पड़ेगा। बारिश बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ऑसम काइंड ऑफ एटमोसफियर है। मतलब ऐसे मॉर्निंग में बारिश बारिश में अगर आपने मानसून में अगर राइड का मज़ा नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं लिया। तो गाइस आप जैसे देख सकते हैं अभी हम लोग फिलहाल जो है बोगीबिल ब्रिज के ऊपर है, वो पूरा सामने देख रहे पूरा सफ़ेद है। मतलब अभी सीन ऐसा है ना कि अपन लोग जो है एकदम बारिश के अंदर जा रहे हैं और बहुत ही खतरनाक सा बारिश होने वाला है आज, खतरनाक। और क्या बताऊँ मैं आपको, खतरनाक ही होने वाला है पूरा। सब स्टील बॉडी बने का मैं बड़ो टिटी है, वो केस ना है बने। तो गाइस अभी फिलहाल जो है अपन ये कुलाजान का मीटअप पॉइंट पे आके पहुंचे हैं। यहाँ पे जो है वो टफड़ी वाली चाय जो अभी अपन लोग पी लेंगे। और बहुत एक पूरा कंप्लीट साल के बाद एक अपने साथ एक बहुत ही पुराने राइडर जुड़े हैं। तुम्हें अपन बुलाई दिया मैंने तो आज अपने साथ सागर भी आया हुआ है। अगर आप लोगों ने अपना मेचुका वाला ब्लॉग अगर देखा है तो फिर वहाँ से उसमें था सागर, उसने लेकिन उस टाइम पे एप्रिलिया 150 लेके आया था। इस बार ही भाई जो है अपग्रेड हो गया डोमिनर 250 पे, जो भी है बढ़िया है। और इस बार अपने साथ कितने राइडर्स है एक बार काउंट डाउन कर लेते हैं। टोटल 9 बंदे हैं, जो भी है जैसा भी है मजा आया है। अभी फिलहाल कुलाजन मीटअप पॉइंट पहुंचे हैं। दूसरा मीटअप पॉइंट धेमाजी है, वहाँ पे आई थिंक दो राइडर्स ज्वाइन करेंगे ना।
हाँ तो धेमाजी नेक्स्ट मेटो पॉइंट धेमाजी है, धेमाजी में भी एक दो राइडर्स ज्वाइन करेंगे वहाँ पे अपने साथ, उसके बाद अपन सीधा माजुली के लिए निकल जाएंगे। बढ़िया। अभी यहाँ से अपन लेंगे टूवर्ड्स धेमाजी और लॉन्ग राइड का वैसे मजा बहुत ही बढ़िया होता है। तुम्हें टेलिंग करवा, टेलिंग लोहाबूर सबके लो ही बा। हाँ, लॉन्ग राइड का मजा ही कुछ अलग होता है। वाओ। वैसे ये रास्ता बढ़िया लगता है, बहुत ही मज़ेदार है ये रोड, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें गड्ढे बहुत ही ज़्यादा है। अभी आगे जाएंगे ना तो थोड़ा सा इसमें गड्ढे ज़्यादा है, तो इसके लिए वो आपको गड्ढे बचा के जाना है। कम से कम 20 किलोमीटर के आसपास मतलब थोड़ा सा पॉट होल्स वाला रास्ता है, सारी जगह पे पॉट होल। ओ तेरी ए इजुत्सु कौन गाड़ी कौन बहुत मजा लगे रे, इजुत्सु गाड़ी कौन जो पार हो गल जे। ओके, और ये देखिए मतलब क्या मस्त वो व्यू दिख रहा है आपको। आई रियली डोंट नो कि कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो व्यू बहुत तेरी क्या अल्टीमेट व्यू है। मतलब सामने जो है ना आपका, ओह जो बीच में गाय चल रहा है, अभी ये पता नहीं कि ये गाय इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा, वो बड़ा दिक्कत है गायों के बीच में। अभी अगर जैसे बारिश अगर नहीं होती ना तो फिर आपको सामने जो है ना वो पूरे अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ दिखते। वो ये तो इसलिए मतलब बारिश हो गई, दैट इज़ द रीज़न में पूरा फॉग हो रखा है, और ये चारों तरफ मतलब आपके पूरे पहाड़ है अरुणाचल प्रदेश का। बहुत ही प्यारा लगता है इस तरफ आने के लिए, बस थोड़ा सा रास्ता इस साइड में थोड़ा सा ख़राब है। यहाँ से हम 10 किलोमीटर का आपको ऐसा पॉट होल वाला रास्ता मिलेगा, उसके बाद गोगामुख से तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। और ये सामने ड्यूक 250 में एक राजदीप भाई करके नए राइडर आज ज्वाइन किया है, और ये डोमिनर 250 में सामने सागर भाई हमारे साथ राइड का मज़ा लेते हुए, और ये पल्सर 220 में केबी मोटो व्लॉग्स बहुत ही उमदा तरीके से इस बारी बाइक चला रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो, और ये पल्सर NS 160 में है हमारे समीर भाई जो टेलिंग कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मतलब टेलिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक राइड में, हाँ बिकॉज ताकि सारे राइडर जो है एक साथ रहे, एकजुट रहे, तो ये सारे अपने साथ राइडर्स है। टोटल 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 बाइक्स है इस बारी जो हम लोग राइड पे निकल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है अब तक माजुली। तो गाइस अभी अपन लोग प्लान कर रहे हैं कि एक जो है ना ऊपर से ड्रोन शॉट लेंगे, हाँ मतलब सारे मतलब बाइक्स जो है लाइन पे चलते रहेंगे और फिर अपन ड्रोन उड़ाएंगे, तो फिर वही अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे उड़ेगा। ये अपना पंछी जो है अभी उड़ने वाला है और सुमित भाई उड़ाएंगे उसको। तो अभी देखिए ये ड्रोन शॉट्स के लिए अपन तामझाम कर रहे हैं, चलिए आप लोग डायरेक्ट ड्रोन शॉट्स देखिए। तो गाइस ड्रोन शॉट्स कैसा लगा आप लोगों को? अगर ड्रोन शॉट्स अच्छा लगा है तो यार एक लाइक कर दो, उसको लेने के लिए अपने को बहुत कुछ मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत तामझाम करना पड़ रहा है। और अगर आप लोग अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो फिर यार सब्सक्राइब करो, यार सब्सक्राइब करो, कुछ भी फेंक के मारो लेकिन वो लाल कलर का बटन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बाबा। वो 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 और अभी थोड़ी देर के बाद अपन जो है ये कौन सा लोकेशन था, आई थिंक जियाधौल चारियाली है या मोइनापारा, आई रियली डोंट नो, लेकिन हाँ वो लोकेशन पहुँच जाएंगे।
फिर वहाँ से जो है दो और राइडर्स अपने साथ ज्वाइन करेंगे, मज़ा आएगा। और आज ये सागर लेकिन बहुत ही कॉमेडी कर रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये तो हंसा का बांध पानी देने लगी है, मतलब ये जो है जैसा फ्लड सिचुएशन जैसा ही थोड़ा सा लग रहा है। आई रियली डोंट नो कि वो सारे जो घर है वहाँ पे वो डूबे हुए हैं कि निकले हुए हैं, बचे हुए, आई रियली डोंट नो। लेकिन ये तो आप जैसे देख सकते हैं ये पूरा फ्लड है, फ्लड का सिचुएशन ही है काइंड ऑफ। अरे हाँ रे, ये देखिए आप लोगों का घर डूबा हुआ है। हाँ अरे पानी घुमाया सबे। अरे ये पूरा ये देखिए आप एकदम, ये लाइव फ्लड सिचुएशन है, आई रियली डोंट नो अभी। लेकिन इस ये अभी सितंबर का मतलब अक्टूबर आने वाला है, वी आर इन द लास्ट मंथ ऑफ लास्ट डेज ऑफ सितंबर, और तब भी यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत तो फ्लड का प्रॉब्लम है। ओ आई होप कि जितना जल्दी हो सके वो सारा प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म हो जाए। जब ये राइड स्टार्ट किया था हम लोगों ने सोचा कि नहीं मतलब यही है कि हम लोगों ने प्लान किया था कि इसको जो है एक डायरेक्टली राइड वन डे का राइड करेंगे। मतलब हम लोगों ने जब यहाँ से राइड स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने वही सोचा था कि राइड जो है एक दिन का होगा, मतलब सुबह जाएंगे शाम तक आ जाएंगे। ओ ओ ओ आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये रिवर ओवर फ्लडेड है गाइस। कौन सा रिवर है पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो एक बार ज़रूर कॉमेंट करके बताना ये कौन सा रिवर था। लेकिन वो रिवर मेरे को ओवर फ्लडेड दिखा। मतलब धेमाजी का मीटअप पॉइंट है, धेमाजी में जब भी अपन लोग मीटअप करते हैं तो इसी लोकेशन पे करते हैं। और अभी जो है अपन थोड़ा सा डोमिनी 250 का मजा लिया जाएगा अभी थोड़ा सा। वो 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 बहुत ही स्मूथ है रे, ये बहुत ही स्मूथ है रे, ये गाड़ी बहुत ही स्मूथ है। ओए ये तो मजा ही आ गया रे, एकदम मक्खन है रे। सो गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने अपने को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो गाइज क्यों वेट कर रहे हो, आ जाओ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, और ये सारे राइड्स के जो इनसाइट्स होते हैं वो सब कुछ आपको इंस्टाग्राम में लाइव अपडेट्स मिलता है। और भाई का जैसे भी आप देखो 100,000 हम लोग पहुँचने वाले हैं, इंस्टाग्राम में भी एटलीस्ट कम से कम हमें 10,000 तक तो पहुँचा दो यार। गोगामुख से जो है एक लेफ्ट लेना पड़ता है, उसके बाद ही जो है ये वाला स्टार्ट हो जाता है। और सबसे आगे अभी फ़िलहाल मेरे बाइक में है पोल्लव एंड ये सागर एंड पोल्लव मेरे बाइक पे है। आगे लाइव जा रहा है, लाइव का भी एक यूट्यूब चैनल है, एक बार जाके आप लोग उसका भी चेकआउट कर सकते हो। और गाइज यहाँ तक जो है वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका था, तो दैट इज़ द रीज़न वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको देख के थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा, अगर एंटरटेनमेंट हुआ तो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अप टिल देन सी यू इन द वेरी नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड लिव योर ड्रीम्स। बाय बाय।